अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशंस उनको डिवाइड कैसे करते हैं। हमारे पास आज है इक्वेशन जो हमें दी गई है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगा सिखाऊंगा, तो आप और लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स माइनस टू इक्वेशन दी गई है, तो इक्वेशन में हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स दिया गया है। तो हम सबसे पहले ऐसे वेरिएबल के साथ एक्स माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें जवाब में एक्स स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें, अगर हम x इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें एक्स स्क्वायर हासिल होगा। तो इस तरह हम x को x से मल्टीप्लाई किया, इसके जवाब में हमें एक्स स्क्वायर हासिल होगा। अब क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई किया है तो आगे हमें हमारे पास क्योंकि x माइनस टू भी है, तो माइनस टू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस टू को एक्स के साथ टू वन एक्स, आंसर आएगा टू एक्स। माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा तो टू एक्स आ गया। तो जैसा कि हमें पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर था तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया हमने तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। माइनस इसका माइनस था इसका प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे जिसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। और पॉजिटिव एक्स और ये टू एक्स, तो इसका आंसर प्लस थ्री एक्स आ जाएगा। और ये माइनस सिक्स जो है ये नीचे आ जाएगा। अब हमें ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करना है जो हमें 3x दे। तो हम क्या करेंगे, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमें 3x मिल जाएगा ये वाला, और माइनस टू जो कि हमारे इक्वेशन में था तो 2 भी साथ होगा। माइनस सिक्स है माइनस टू और मल्टीप्लाई 3 से करेंगे हमारे पास माइनस सिक्स आ जाएगा और साइन के चेंज हो जाएंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।